मुल्तान सियासत का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 3 रोजा दौरे पर मुल्तान आमद। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। साबिक सदर 10 रुकनी वक्त के हमरा मुल्तान पहुंचे। बिलावल हाउस में जनूबी पंजाब के अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में जलसों का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 जनवरी को लैया, 13 जनवरी को बहावलपुर, 19 को रहीमिया खान, 20 जनवरी को कोटद्दू में जलसा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 24 जनवरी को सरगोधा और 26 को मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। जनूबी पंजाब के अस्पतालों की हालत ज़ार बदलने का मिशन मोहसिन स्पीड ने बेड़ा उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एक और बड़ा इकदाम। अपग्रेडेड अस्पतालों के लिए जदीद आला जरूरी सामान खरीदा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जदीद आला बेड्स और फर्नीचर खरीदने की मंजूरी दे दी। खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल। मुल्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 194 अपीलों पर समाप्त। 7 उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजाती नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 3 दिनों में आरओज के फैसलों के खिलाफ 219 अपीलें दायर हुई। कुरैशी खानदान समेत जमशेद दस्ती और उनकी अहलिया की अपीलों पर समाप्त 6 जनवरी तक मुलतवी। गुलाम मुस्तफा घर की अपील पर समाप्त 7 जनवरी को होगी। बहावलपुर में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाप्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बहावलपुर और लोधना से दायर 61 अपीलों में 10 पर फैसले। एनए 168 से अदील के कागजात पर आरओ का फैसला बरकरार। पीपी 262 से उमर फारूक के कागजात मुस्तरद। 8 दीगर के कागजात मंजूर। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आवाम ने बिजली की कीमत बढ़ाने पर निगरान सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा, पहले ही महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, रही सही कसर बिजली महंगी करके पूरी है। और पब्लिक जो है वो दिन ब दिन इसी टैक्सेस के और इन्फ्लेशन के और महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिससे जो है ना ये मजीद बिजली का बम जो है आवाम के ऊपर एक कहर नाजिल फरमाएगा। जी चोरी हो रही है उसको खत्म करते हैं। जय जय के ये सारा बोझ बिल पे करने वाले आवाम पे डाला जाए, तो ये इन वामिल पे कोशिश करनी चाहिए कि बाकी आवाम पहले ही पीछे बढ़े हैं। जनूबी पंजाब में महंगी बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। बहावलपुर और सादिकाबाद में दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुंच गया। छपकला में 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग। मामलात जिंदगी मुतासर, कारोबार को भी ब्रेक लग गई। शहरियों की दुहाइयां बेअसर। मेपको हुकाम ने गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी पर जिम्मेदारी डाल दी। एक तरफ बिजली महंगी, दूसरी तरफ तवील लोड शेडिंग। ऊपर से चूल्हे जलाने के लिए सुई गैस भी दस्तियाब नहीं, रही सही कसर महंगाई माफिया ने पूरी कर दी। कोयला, लकड़ी और एलपीजी महंगी कर दी। जनूबी पंजाब के आवाम मुंहजोर महंगाई से शदीद परेशान। मियांवाली, बहावल नगर और खानेवाल में शदीद ठंड में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। जनूबी पंजाब सर्दी के लपेट में, दर्जा हरारत में कमी। ठिठरती सर्दी ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। खून जमा देने वाली सर्दी, दिहाड़ीदार तबके पर भारी। मजदूरों की मजदूरी ना मिलने की दुहाई। कहा, सर्दी की वजह से रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। जनूबी पंजाब में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात और अंडे महंगे हो गए। डीजी खान में फार्मी अंडे 400, देसी अंडे 500 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। छपखाला में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश। शहरियों का खुश्क मेवाजात महंगी होने का शिकवा। कहते हैं कीमतों में इजाफे से खुश्क मेवाजात कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ की नाअहली। शहर में तजावजात का खात्मा मुमकिन न हो सका। शहर की अहम शाहराहों और फुटपाथ पर कब्जा माफिया और तजावजात की भरमार। परेशान हाल शहरियों का तजावजात मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का मुतालबा।
महकमा माहौल मुल्तान को अफसरान की कमी का सामना, दो एडिशनल डायरेक्टर, पांच इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट की सात सीटें खाली, दफातर और फील्ड में सहूलियात की फराहमी मुश्किल से दो चार, फील्ड स्टाफ कम होने से जिला भर में माहौलियात के खिलाफ ऑपरेशन करने में दुश्वारी। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स वालों के गिर्द घेरा था मुल्तान में महकमा सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन जारी, भारी जुर्माने भी आए। चीफ इंस्पेक्टर फहीम इमदाद कहते हैं माफिया की मुकम्मल सरकोबी के लिए तमाम इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयां जारी हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी के 50वें कॉमन के जेर तरबियत एएसपी का जनूबी पंजाब ऑफिस का दौरा, एडिशनल आईजी मकसूदुल हसन ने जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस की वर्किंग और आफादियत के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान भी मौसम स्पीड के मोहतरम, अवामी फलाह के मंसूबों की तेज रफ्तारी से तकमील पर वजीर आला मौसम नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर हाउस में मुलाकात, सेहत के शोबे में मौसम नकवी के इकदाम को मिसाली करार दे दिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की सैर सदारत डिविजनल कारकर्दगी बारे जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका महकमों के अफसरान की ब्रीफिंग, कमिश्नर का पेट्रोल पंप्स की इंस्पेक्शन और इंसदादे स्मोक मुहिम की कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म, अशाय जरूरिया की अज्जा नफों पर फराहमी और वन डिश एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी। शहर औलिया के पार्क्स में अमले की हाजिरी यकीनी बनाने का लाहे अमल तरतीब, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स मातहत अमले की हाजिरी रिकॉर्ड और ड्यूटी रोस्टर के जिम्मेदार होंगे। पीएचओ मुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स को मजीद जिम्मेदारियां सौंप दी, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए। सेहत के तरक्याती मंसूबों में ताखिर पर हरगिज समझौता नहीं होगा, कमिश्नर डीजी खान ने मंसूबों की तकमील के लिए टाइमलाइंस मुकर्रर कर दी। वीडियो लिंक इजलास में मबादे आमा के मंसूबों पर पेशरफ का जायजा, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को पहली तरजीही, टीचिंग हस्पताल में जेर तमीर मदर एंड चाइल्ड हस्पताल की पूरी तकमील की हिदायत। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पतालों की कड़ी मॉनिटरिंग, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, मरीजों से भी मुलाकात, अद्वियात सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उधर डीसी राजनपुर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स, डायलिसिस सेंटर, कार्डिक ब्लॉक और दीगर शोबाजात का जायजा लिया। जनूबी पंजाब में चार रोजा पोलियो मुहिम के इंतजाम मुकम्मल, डिप्टी कमिश्नर लैया की जेर सदारत इजलास, सीईओ हेल्थ ने 8 जनवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा जिले को पोलियो फ्री रखने का अज्म बरकरार रखेंगे। साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 99 सालगिरह के मौके पर तकरीब, पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो मुल्तान डिवीजन की जानिब से केक काटा गया, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली सैयद अहमद मुसबा गिलानी।